मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बिरसिंहपुर पाली में आज हुआ सत्य पर सत्य की बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व बुधवार को उमरिया जिले की बिरसिंहपुर पाली के मां विरासिनी कालरी मैदान में शाम 7 बजे से हर्षोल्लास से मनाया गया, जहां भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर रावण की लंका जलाकर बुराइयों का अंत करने का संकल्प लिया। पाली शहर की कॉलोनी प्रबंधन के सहयोग से रावण दहन का समारोह आयोजित किया, जिसमें चंद क्षणों में रावण की लंका जलकर राख हो गई, जबकि रावण मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले भी सत्य के समक्ष ही कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गए। जोहिला क्षेत्र एरिया खनन महाप्रबंधक हेमंत शरद पांडे, सब एरिया जान सल्डाना व खान प्रबंधक यूएस सिंह ने सर्वप्रथम मेघनाद का पुतला फूका, तत्पश्चात कुंभकर्ण पर जान सल्डाना ने तीर चलाई है, जबकि रावण के पुतले पर खनन महाप्रबंधक हेमंत शरद पांडे ने जैसे ही तीर चलाए रावण का परिवार धू धू कर जलने लगा। अहंकार का खात्मा हो गया, बुराइयों के रूप में खड़ी की गई सोने की लंका भी राख हो गई। रावण के दहन के दौरान आतिशबाजी की गई और आसपास में रंग बिरंगी तारे खुशियों के रूप में चमकते लगे। 50 फीट का दम्भ रूपी रावण 1 से 2 मिनट में ही जलकर राख हो गया। रावण और रावण की लंका को जलते हुए देखने आंखों से देखने के लिए पाली कॉलोनी के मैदान में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने रावण दहन और आतिशबाजी का आनंद उठाया और कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पाली थाना SDOP डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाट के निर्देशन में पाली थाना प्रभारी R.K. धारिया की उपस्थिति में पाली के कॉलोनी मैदान में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। रावण दहन का कार्यक्रम कई वर्षों से चला आ रहा है और हर वर्ष की भांति मैं यहाँ आती रही हूँ, लेकिन पहले जिस प्रकार से जो उमंग छटा दिखाई देती थी, शायद इस बार थोड़ा सा मुझे फीका फीका लगा। कहीं ना कहीं समय के चलते चलते थोड़ा सा ये सब जो हमारा ये पावन पर्व है, इसका जो हर्ष उल्लास है, उमंग है, थोड़ा लोगों में कम हो गया है, क्योंकि लोगों ने आजकल सब ये सब मोबाइल TV उसके माध्यम से लोग घरों पर ही स्थिर रह गए हैं। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और ये नवरात्रि के बाद ये असत्य पर सत्य की विजय में दशहरा पर्व मनाया जाता है। मेरा नाम स्नेहा तसोनी है, मैं चचाई से आई हूँ और आज करीब 5-6 साल बाद मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ का कार्यक्रम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। दशहरा उत्सव समिति जो है यहाँ की पाली उपक्षेत्र की, इसका ये जो हर साल का ये कार्यक्रम रहता है, एक बहुत ही सराहनीय और बहुत अच्छा एक कार्यक्रम यहाँ के सभी पाली के तो सभी अपने जो हमारे साथीगण हैं उनके लिए, प्लस जो आजू बाजू में जितने हमारे गांव है और कस्बे हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पर आके सब इकट्ठा होते हैं और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इतना भव्य जनसागर यहाँ एकत्रित है। और ये एक हमारे धर्म के लिए और धर्म के नाम से जो हमारी परंपराएं हैं उसको जिंदा रखने का एक बहुत अच्छा प्रयास हमारे सभी पाली के मजदूर भाई करते हैं। मैं उसके लिए उन लोगों का शत शत नमन करता हूँ, मेरा अभिवादन है उनको कि ये परंपरा को वो इतने साल से आज के इस मॉडर्न युग में भी अपने साथ रख के संजोए हुए है और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए एक बहुत बड़ा ये संदेश हम लोग देते हैं कि जो भी सत्य की जो जीत है असत्य पर वो कैसे होती है और वो हमको अपने जीवन में उसको कैसे धारण करना है, अपने आप में कैसे उस चीज़ को लाना है, उसका एक बहुत अच्छा संदेश यहाँ हर साल मिलता है। और इस साल गत वर्ष से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे जनसंख्या और जनसैला उमड़ आया है यहाँ पर, वो देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। और दशहरा उत्सव समिति को मैं पुनः एक बार इस अवसर पर बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि ये कार्यक्रम ये हर साल इसी उमंग, इसी उत्साह और इसी शक्ति और उत्कर्ष ये अपने अंदर ये रख के, जो एनर्जी जिसको बोलते हैं वो रख के इन लोग करते रहे, इसके लिए हम उनके साथ है और हमेशा साथ रहे। जो झांकिया वाला जो समारोह यहाँ हमेशा होता था
ये एक्चुअली जब हमारा जो कोविड वाला पीरियड में थोड़ा एक साल यहाँ पे हम लोग वो जो नहीं कर पाए थे, और फिर इस साल भी इसीलिए नहीं कर पाए थे कि कल इस बारे में काफ़ी चर्चा हुई हमारे समिति के सभी सदस्य और जो उसके पदाधिकारी है उनसे, तो उनका ये कहना था कि बारिश का जो कल का माहौल था और जो हम लोगों ने वेदर फोरकास्ट देखा था कि 3 दिन लगातार और बारिश होने वाली है, तो यही कार्यक्रम होगा कि नहीं ऐसी शंका उनके मन में थी। तो वो उनका ये कहना था कि सर इस बार झांकी वाला कार्यक्रम ना करते हुए इसी कार्यक्रम पे हम लोग अपना ध्यान देके इस कार्यक्रम को हम लोग सक्सेसफुल बनाए, यही वाले कारण हम लोग इस बार झांकी वाला कार्यक्रम नहीं कर पाए।